जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में कुछ और इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो हम लोग बनाया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैंने ये भी बताया है कि विलोम शब्द कैसे निकालते भी हैं, ठीक। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देखते हैं, ठीक। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही लिए हुए हैं। अभी ये भले आसान भी लग रहे होंगे लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए। पहला देखिए विपद। विपद का क्या होता है? संपद, याद रखिएगा। विपद का संपद होता है, विपद का संपद। सोते सोते या सुबह सुबह उठते ही पढ़िए, वीडियो देखते हुए दिमाग में एक जानते हैं आपको इमेजिनेशन बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है ना, क्लिक कर जाता है, याद करने से नहीं होता। या तो बार बार उसको पढ़ते रहिए, अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएगा। और आराम से जब वीडियो में बना के दे ही रहा हूं तो आराम से वीडियो को देखते हुए, किताब उठाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को देखेंगे दिमाग में आराम से क्लिक कर जाएगा, ठीक। आराम से आंसर निकाल लेंगे उसका, विपद का संपद। आगे बढ़िए। चपल का गंभीर। चपल होता है चंचल स्वभाव जो होता है, तो उसका विपरीत क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या हो सकता है? गंभीर स्वभाव वाला, यानी चपल का गंभीर। आगे बढ़िए। संपन्नता। संपन्न आदमी क्या होता है? उसका विलोम कौन सा होता है? जो निर्धन होगा, यानी संपन्नता का निर्धनता। देखिए इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया ना, संज्ञा का संज्ञा से रिप्लेस होता है विलोम शब्द, सर्वनाम का सर्वनाम से रिप्लेस होता है विलोम शब्द। अगर क्रिया वाला शब्द है तो क्रिया से ही रिप्लेस होगा, विलोम शब्द बनेगा। और क्रिया विशेषण वाला शब्द है तो उसका विलोम शब्द क्रिया विशेषण ही बनेगा। ऐसा नहीं कि संज्ञा का अगर विलोम शब्द पूछ रहा है तो उससे मिलता जुलता कहीं सर्वनाम नाम का विलोम शब्द होगा तो वो आंसर सही नहीं होगा। तो उसमें से एक जरूर क्वेश्चन में देता है जहां कंफ्यूजन वाला होता है, तो वहां दिमाग रखिए। अगर संज्ञा शब्द का विलोम पूछ रहा है तो संज्ञा शब्द ही विलोम बनेगा उसका विलोम। जैसे देखिए संपन्नता, अगर संपन्न होता है तो यहां निर्धन होता, संपन्नता है तो निर्धनता है। बात समझ में आई? पकड़िएगा, ट्रिक से पकड़िएगा। संपन्न का दे दे तो संपन्नता, अगर दे दे निर्धनता दे देगा तो वहां गलत हो जाएगा, वहां एक निर्धन भी होगा। तो संपन्नता का निर्धनता, देखिए आ की मात्रा लग रही है संज्ञा से। आगे बढ़िए। कौटिल्य। अब देखिए कौटिल्य का अकौटिल्य, जैसे बहुत से अभी बताऊंगा मैं, और भी वीडियो में बताऊंगा कि कहीं कहीं क्या होता है कि आपका प्रत्यय से भी रिप्लेस करके होता है, प्रत्यय होगा और उत्सर्ग भी होता है, और अप्रत्यय का भी यूज करके क्या होता है विलोम शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। वो किसी और ट्रिक में बताएंगे जब इंपॉर्टेंट वाले बताएंगे, सिर्फ लिमिटेड बच्चों के लिए जो चाहते हैं 10-12 विलोम शब्द में हमारे कुछ क्वेश्चन फंस जाए, ठीक। तो कौटिल्य का अकौटिल्य होगा। इसका एक और होता है, क्या होता है? आर्जो। दोनों में से कोई भी आएगा तो आपका कौटिल्य का विलोम शब्द मिल जाएगा, ठीक। आगे चलिए। अवनी। अवनी का अंबर, ये शॉर्ट में भी मिलेगा आपको, अवनी का अंबर। और देखिए सदैव का विरध। सदैव का क्या होता है? विरध होता है विलोम शब्द, याद रखिएगा विलोम शब्द। सहोदर। सहोदर का अन्योदर होता है, सहोदर का अन्योदर, ठीक। सम्मान का अपमान। अब देखिए यहां लगता है आसान है लेकिन ये प्रीवियस मेरे पूछे हुए हैं तो ये अपने से नहीं लिया हुआ है। सम्मान का अपमान, ठीक। धर्म का अधर्म, ये तो आराम से नंबर मिल जाएंगे, धर्म का अधर्म। परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष, ऐसे भी याद करते रहिए अपना। आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का क्या होता है? निकृष्ट होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, याद रखिएगा। गरल का सुधा। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है, ठीक है। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, आधा धा और न हो जाता है यहाँ पे, ज्ञा वाला। आगे बढ़िए। संकीर्ण। संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण होता है, ठीक। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण कैसे पढ़ेंगे? संकीर्ण का विस्तीर्ण, समझ गए, विस्तीर्ण बनी वह है। आगे बढ़िए। अनुरक्त। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त। अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का विरक्त, दिमाग में बस सुनते चलिए वीडियो को और दिमाग में बैठाते चलिए, अनुरक्त का विरक्त। आगे चलिए। प्रच्छन्न। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का क्या होगा? प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है, ठीक। आगे बढ़िए। प्रभावी का, देखिए प्रभावी का अप्रभावी लिख सकते, तो क्या होता है? प्रभावी का निष्प्रभावी, प्रभावी का निष्प्रभावी, बात समझ में आ गई। आगे बढ़िए। पाश्चात्य। पाश्चात्य का क्या होता है? पौरस्त्य। पौरस्त्य, पौरस्त्य, याद रखिएगा, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि दिमाग में क्लिक कर जाए, पाश्चात्य क्या होता है? पौरस्त्य। आगे बढ़िए। अनुग्रह। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह, ये तो मिलता जुलता नाम है तो आदमी को याद हो जाता है, अनुग्रह का विग्रह। अश्लील। अश्लील का क्या होता है? श्लील, यानी सिर्फ अ हटा देंगे, श्लील जो होता है अश्लील का विलोम शब्द होता है, बात समझ में आ गई। इसी तरह ज्यादा नहीं लेंगे आप, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, सिर्फ आपको आराम से सोते उठते हुए अपना वीडियो देखेंगे तो वीडियो पर विलोम शब्द आराम से दिमाग में क्लिक कर जाए, ठीक। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।